सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच बाहरी उत्तरी जिले में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई भयंकर गोलीबारी से पूरा इलाका सन रह गया। दोनों तरफ से 22 राउंड गोलियां चली। बाहरी उत्तरी जिला AATS स्टाफ ने काला जठेड़ी और गोल्डी बरार गैंग के दो शार्प शूटरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शार्प शूटर गैंगस्टर काला जठेड़ी के इशारे पर गैंगस्टर सुनील ताजपुरिया और दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही की हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इनके पास से दो पिस्टल, 4 जिंदा व 8 खाली कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों शार्प शूटरों की पहचान बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी 32 वर्षीय परविंदर अलियास और भिवानी हरियाणा निवासी 22 वर्षीय टोनी के रूप में हुई है। बाहरी उत्तरी जिले के DCP ब्रिजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बाहरी उत्तरी जिला AATS की एक टीम गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को दबोचने के लिए मुखबिरों की मदद के साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस से दिल्ली NCR, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में गैंगस्टरों की मूवमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पर काम कर रही है। इसी कड़ी में टीम को दिनांक 1 मार्च 2022 को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हरियाणा और बेंगलुरु की हत्या और डकैती के मामलों में वांटेड बदमाश शार्प शूटर परमिंदर उर्फ काला रात करीब 2 से 2:30 के बीच अलीपुर इलाके में हथियारों के साथ आएगा और काला जठेड़ी के इशारे पर प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही की हत्या को अपने साथियों के साथ अंजाम देगा। DCP ब्रिजेंद्र कुमार यादव ने वांटेड बदमाश और शार्प शूटर परमिंदर उर्फ काला को दबोचने के लिए रिचपाल सिंह ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में महिला SI रश्मि, SI राकेश, बलवान, हेड कांस्टेबल सीतेंद्र खोखर, योगेंद्र, आकाश, परवीन, अमित कांस्टेबल अनूप, रोबिन, ब्रिजेश और हायक आई टीम के मेंबर हेड कांस्टेबल विकास कांस्टेबल सिद्धार्थ और विशाल की एक टीम का गठन किया। तुरंत ही टीम ने अलीपुर इलाके में जाल बिछाया। दोपहर करीब 2:15 के आसपास GT करनाल की सर्विस और नाला रोड से टिवोली फार्म साइट की ओर एक ब्लैक कलर मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे। टीम ने मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया लेकिन वो नहीं रुका और पुलिस टीम को देखकर यूटर्न लेकर भागने लगे। टीम ने मोटरसाइकिल का पीछा किया। टीम ने टोनी नाम के बदमाश को 100 मीटर की दूरी का पीछा करके और मामूली हाथापाई के बाद दबोच लिया। जबकि वांटेड शार्प शूटर परमिंदर उर्फ काला अपनी पैंट से पिस्टल निकालकर पुलिस टीम की ओर निशाना साधते हुए फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम ने भी उसे चेतावनी देने के लिए फायरिंग की लेकिन उसने फायरिंग बंद नहीं की और फिर से पुलिस टीम पर गोलियां चलाने की कोशिश की। दो गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट से जा टकराए। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी लगातार फायरिंग की। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने उसे भी दबोच लिया। पुलिस टीम ने कुल 14 राउंड गोलियां और 8 राउंड गोलियां आरोपी परविंदर उर्फ ने चलाए। तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों से दो पिस्टल, 4 कारतूस, 8 खाली कारतूस और एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों शार्प शूटरों की पहचान बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी 32 वर्षीय परविंदर उर्फ पुत्र महेंद्र सिंह और भिवानी हरियाणा निवासी 22 वर्षीय टोनी पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। पूछताछ पर मालूम चला कि दोनों ही शख्स बदमाश काला जठेड़ी और गोल्डी बरार के शार्प शूटर हैं और उसी के इशारे पर दिल्ली आए थे, जहां उन्हें गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही की हत्या को अंजाम देना था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि परमिंदर उर्फ काला बंगलुरु में हुई हत्या के एक केस में वांटेड है और साथ ही दिल्ली में लाहौरी गेट में करीब 24,07,000 रुपए की लूट, बेरी झज्जर हरियाणा में हुई 35 लाख रुपए की लूट, सदर झज्जर में हुई 7 लाख की लूट और अंबाला में एक कबूतरबाजी के मुकदमे में भी वांटेड है। सनसनी ऑफ इंडिया। कामयाबी हासिल हुई जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश के अंदर इन्वॉल्व दो व्यक्तियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। 2 से 2:30 के बीच में पुलिस को सूचना थी कि ये लोग आएंगे, इन्हें इंटरसेप्ट किया गया। स्वयं को पुलिस पार्टी से घिरा देख के इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के अदम्य साहस में जवाबी कार्रवाई के अंदर कुल मिला के 22 राउंड फायर हुए। अंततः इन्हें ओवर पावर किया गया। यह बात सामने निकल के आई कि जब टिल्लू ताजपुरिया की पेशी कोर्ट में होनी थी उसके आसपास ही ये इस घटना को अंजाम देते और उसे एलिमिनेट करने की इनकी प्लानिंग थी। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। We'll be right back.
जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।